अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट शेयर करने वाला हूं जो कि सेम 5ROI ग्लोबल की तरह है। 5ROI ग्लोबल को जिन लोगों ने ज्वाइन किया था वो लोग जानते हैं कि सिर्फ अकाउंट बनाने पर 3000 प्लस का प्रॉफिट हुआ था सब लोगों को, और जिन लोगों ने वहाँ पर रेफर बनाए थे उन लोगों को 30,000, 40,000, 50 और 1,00,000 तक प्रॉफिट हो चुका है। तो ये वेबसाइट भी बिल्कुल सेम उसी तरह है, क्योंकि ये भी एक एक्सचेंज है और वो भी एक एक्सचेंज था। तो यहाँ पर आप लोगों को KYC करनी पड़ेगी, गूगल ऑथेंटिकेटर को ऐड करना होगा। अब इसका जो टोकन है वो ऑलरेडी लिस्टेड है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसकी वैल्यू भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और यहाँ से आप लोग डेली $1 भी कमा सकते हो। किस तरह कमाओगे सब कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आप लोगों की वेरिफिकेशन रह जाएगी, क्योंकि आप लोगों को फिर मसला आ सकता है। इसके अलावा गूगल ऑथेंटिकेटर में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। साइड में जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 82% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें वो बिल्कुल फ्री में हो जाता है। और जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। यहाँ पर रेफर कोड लगाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अगर उसके लिए आप वीडियो को क्रोम के अंदर ओपन करेंगे तो आप लोग बेहतर तरीके से रेफर कोड कॉपी कर सकते हो, क्योंकि रेफर कोड आपने लाजमी लगाना होगा। इसके अलावा रेफर कोड आप लोगों को टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक कर दोगे इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, तरीके से 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपल तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन पर करना है क्लिक। तो यहाँ पे मैं जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट में आपने अपना ईमेल देना है, दूसरे में पासवर्ड देना है, तीसरे में पासवर्ड को कंफर्म करना है, और चौथे में रेफर कोड जो कि आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप अगर नहीं लगा सकते कोड, मतलब कॉपी नहीं कर सकते डिस्क्रिप्शन से, तो आप लोगों ने इस वीडियो का लिंक क्रोम में पेस्ट करना है, उसके बाद वही रेफर कोड आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये सब कुछ मैं लिखता हूँ और वीडियो को दोबारा प्ले करता हूँ। तो सब कुछ मैंने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा है, इसमें आप लोगों ने लगाना है टिक। तो जैसे आप टिक लगा दोगे उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे आपका अकाउंट बन जाएगा, उसको सेव करने उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जीमेल पर एक कोड आया है। तो आप लोगों ने वो कोड कहाँ पर देखना है, क्योंकि वो आप लोगों के इनबॉक्स में नहीं होगा, उसके लिए आपने अपना जीमेल ओपन करना है। तो जैसे ही जीमेल ओपन कर ली, जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग प्रमोशन देख सकते हो, ऊपर मेरे वाले में आ चुका है, मेरे वाले में स्क्रीन पे प्रमोशन का ऑप्शन है। अगर आपके पास नहीं आ रहा 3 डॉट पे क्लिक कर दे, उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NEXDAX, तो एक्सचेंज का जो नाम है इंडेक्स वो आ चुका है। यहाँ से आप लोगों को वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस पर जैसे आप क्लिक कर दो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ से भी वेरीफाइड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर इसी लिंक पे आप लोग क्लिक करते हो, यहाँ पर आप लोगों को 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर क्रोम ओपन करते हो तो वही आप लोगों को वेबसाइट पे ले जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब इसको आपने करना है लॉगिन, जो आपने ईमेल और पासवर्ड दिया था वही लगाना है, उसके बाद आपने लॉगिन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वेबसाइट पे लोड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेफ रिस्क नोटिस दिया जाएगा, यहाँ पे आपने सारों में टिक लगाने हैं। टिक लगाने के बाद इसको आपने करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने टिक लगा दिया, इसको कर दिया नेक्स्ट, हमारा अकाउंट जो है वो बन चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको डेस्कटॉप वर्जन में करना है, अगर आप क्रोम के अंदर यूज़ कर रहे हो, जिस ब्राउज़र में भी यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपने वेबसाइट को डेस्कटॉप वर्जन में करना है। तो जैसे आप इसको डेस्कटॉप वर्जन में कर लो, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डेस्कटॉप वर्जन में करना है। डेस्कटॉप वर्जन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को गूगल ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये मस्ट है, इसमें आप लोगों ने लाजमी करना होगा। तो इसको किस तरह करना होगा, यहाँ पर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड कर ले, अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो इसको नेक्स्ट कर दे, ठीक है। तो हमारे पास एप्लीकेशन पहले से मौजूद है तो हम इसको करते हैं नेक्स्ट। आप लोगों ने ध्यान से करना है वरना आप लोगों का नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ, आप लोग इसको मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पे आप लोगों को कोड भी दिखाया गया है कि इस कोड को आप लोग किसी जगह पे स्कैन भी कर सकते हो, और उसके बाद मतलब गूगल ऑथेंटिकेटर में स्कैन करके यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास स्कैन करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब दूसरा मोबाइल नहीं है, तो आप लोगों को ये नीचे जो इन लोगों ने लिखा है वर्ड, जो वर्ड नीचे लिखे हैं, इसको आप लोगों ने वहाँ पे लिखना है गूगल ऑथेंटिकेटर में, क्योंकि ये यहाँ से कॉपी नहीं होते, ये यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है। गूगल ऑथेंटिकेटर में न्यू की ऐड करनी है, न्यू की में ये सब कुछ लिखना है, उसके बाद आप
आपके पास एक कोड आएगा, वही कोड यहाँ पे देना है, तो वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये यहाँ से मैं लिखकर अपने गूगल ऑथेंटिकेटर में जाता हूँ, ये यहाँ से लिखा जाएगा, ये कॉपी नहीं होगा। कोड मैं गूगल ऑथेंटिकेटर में लिखता हूँ, यहाँ उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को नज़र नहीं आएगा सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने दोबारा यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो अकाउंट बनाते वक्त पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। इसके अलावा वो गूगल ऑथेंटिकेटर कोड, जो कि हर मिनट में एक कोड वहाँ पे होता है, 30 सेकंड या एक मिनट के अंदर वहाँ पे एक कोड होता है, वही कोड आपने यहाँ पे लिखना है। तो वो कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद एनेबल गूगल ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे गो टू माई अकाउंट पे क्लिक करना है। तो हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने दोबारा जो है स्क्रीन को डेस्कटॉप मोड से हटाना है, एप्लीकेशन को दोबारा आपने डेस्कटॉप मोड से हटाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एयर ड्रॉप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो, उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद क्लेम पे आपने क्लिक करना है। क्लेम पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो, उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वेरीफाइड नाउ का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोगों ने वेरीफाइड नाउ पे क्लिक करना है। वेरीफाइड नाउ पे जैसे ही क्लिक कर दो, यहाँ पे आपने पहले पर्सनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पर्सनल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर दो, यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, लास्ट नेम देना है, मतलब जो आपका रियल होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, एड्रेस देना है, पोस्टल कोड जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा या जो आपके इलाके का होगा, इसके अलावा सिटी और योर कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि जो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों से मांगा गया है वो आप लोग नोट कर ले। पहले में आपने ईयर सेलेक्ट करना है, दूसरे में मंथ है, और तीसरे में आपने डेट को डन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बिगिनिंग वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपने क्लिक करना है। आपने स्टार्ट आईडी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दो, उसके बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पासपोर्ट के साथ करना है या आईडी कार्ड के साथ, तो हम आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करने वाले हैं। उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करना है, तो मैं अपने आईडी कार्ड का नंबर एंटर कर लूँगा। उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले करते हैं, मैंने कार्ड नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने पिक्चर अपलोड करने हैं, आईडी कार्ड का फ्रंट पिक्चर, तो आपने अपने आईडी कार्ड का फ्रंट पिक्चर लेना है, वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद पिक्चर के बाद बैक पिक्चर भी आप लोगों ने अपलोड करना होगा। यहाँ पे अगर आप लोग ये तीनों पिक्चर पहले से मतलब निकाल दो तो बेहतर होगा। यहाँ पे आप लोगों ने फ्रंट पिक्चर, उसके बाद बैक पिक्चर भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम भी ले सकता है वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट पे मेंबर ज़्यादा लोड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक पिक्चर भी मैंने अपलोड कर दी। उसके बाद ये वाला पिक्चर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे सबसे लाजमी काम है आप लोगों ने कागज़ पे बड़ा बड़ा वेब एक्सचेंज का नाम लिखना है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कागज़ को अपने हाथ में पकड़ना है और किसी और को कहना है कि वो आपका पिक्चर निकाले, क्लियर कर, जिसमें सब कुछ नज़र आए। उसके बाद आपने वही पिक्चर यहाँ पे अपलोड करना है। एग्जाम्पल आप लोगों को स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पिक्चर अपलोड करोगे तो आप लोगों की KYC होगी। अगर आप इस तरीके से पिक्चर अपलोड नहीं करोगे तो आप लोगों की KYC नहीं होगी। पहले में आपने ईयर लिखना है, दूसरे में आपने मंथ लिखना है, तीसरे में आपने डेट लिखना है। कुछ अपलोड करने के बाद उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, यहाँ पे उसके बाद क्लोज करना है। आपकी जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग के लिए जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर एयर ड्रॉप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को डेली जो प्रॉफिट होगा, माइनिंग होगी, वो $1 की होगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 1 NT मिलेगा हर घंटे में। और अगर आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो आप लोगों को 50, और अगर आप किसी को रेफ़र करते हो तो आप लोगों को 5 NT मिलेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो भी मैं आप लोगों को मार्केट में दिखाता हूँ कि 1 NT की क्या वैल्यू है। हम मार्केट पे जाते हैं, यहाँ पे आप लोग मार्केट में देख सकते हो 1 NT की जो कीमत है वो 1.1 डॉलर है। तो इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, उसके अलावा किसी भी मार्केट पर चेक कर सकते हो। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट में बता सकते हो। अब सवाल ये है कि यह भी कब मिलेगा, इसके लिए आप लोगों ने वेट करना होगा 4 से 5 महीने, क्योंकि एक्सचेंज का यही सिस्टम होता है, एयर ड्रॉप में यही सिस्टम होता है। उस वक्त के लिए बहुत टाइम है आप लोगों के पास, आप लोग अभी से रेफर वगैरह भी बना सकते हो। इसके अलावा सिर्फ अकाउंट बनाने पर आप लोगों को जो प्रॉफिट होगा बगैर रेफर के वो 10,000 प्लस का होगा इंशाल्लाह, और अगर आप लोग रेफर बनाते हो तो ज़्यादा का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।